वेलकम है गाइज ऑन माई यूट्यूब चैनल। तो गाइज कैसे हो आप सभी। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेल सस्पेंशन कैसे बनाते हैं और सेल को कैसे वॉश करते हैं और सेल के बाद हम 5% पूल सेल सस्पेंशन कैसे बनाएंगे। तो गाइज उसी वीडियो में मेरे को एक कमेंट आया था कि सर आप ब्लड बैंक के बारे में सीरीज रेडी कीजिए, जहाँ हमें ब्लड बैंक की सीरीज के थ्रू बताइए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ब्लड बैंक के बारे में कि ब्लड बैंक होता क्या है, या फिर ब्लड बैंक में क्या करते हैं हम, ब्लड बैंक में कौन कौन से पार्ट होते हैं, क्या क्या टेस्ट होते हैं, ब्लड बैंक का काम क्या है, एक्चुअल में ब्लड बैंक कहाँ स्टैंड करती है एक हॉस्पिटल में या फिर एक ह्यूमन लाइफ में गाइस। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं ब्लड बैंक के बारे में। तो गाइस सबसे पहले हमें ब्लड का, तो जैसे हम सभी को पता ही है कि जो 90 ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 सेक्शन बी के अकॉर्डिंग ब्लड एक मेडिसन है और जिसे ड्रग डिक्लेयर किया गया है। तो उस ड्रग और मेडिसिन को सेव करने के लिए, स्टोर करने के लिए गाइस एक चीज़ बनाई गई जिसको ब्लड बैंक का नाम दिया गया। और वो चीज़ किसने बनाई थी, ये चीज़ 1937 मतलब 1937 में बर्नार्ड फंटूस ने इसे ड्रग किया था, मतलब उन्होंने पहला जो ब्लड बैंक का एस्टेब्लिश किया था, कहाँ किया था, शिकागो में कुक काउंटी हॉस्पिटल में। तो गाइज ये जो बर्नार्ड फंटूस है, इसे इनको ब्लड बैंक का फादर भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो पहला ब्लड बैंक क्रिएट किया था उसके बाद ही जो ब्लड बैंक है जो कंटिन्यूसली उनकी होंद आई है, या फिर ब्लड बैंक को जाना जाने लगा है गाइज। तो अगर ब्लड बैंक की बात करें तो ब्लड बैंक कितने तरह की होती है गाइज। ब्लड बैंक तीन तरह की होती है। वन इज़ अ गवर्नमेंट ब्लड बैंक, जिसे गवर्नमेंट चलाती है, तो वो सेंटर की हो सकती है या फिर वो स्टेट की हो सकती है गाइज। उसके बाद प्राइवेट ब्लड बैंक्स आ जाती है, फॉर एग्जांपल किसी बड़े हॉस्पिटल की खुद की ब्लड बैंक हो सकती है और उसके लिए उनके पास पैथोलॉजिस्ट होना चाहिए गाइज। और तीसरे नंबर पर आ जाती है एनजीओज गाइज, जो एनजीओज वगैरह ब्लड डोनेशन कैंप्स वगैरह लगाती हैं, तो वो भी ब्लड बैंक्स रन कर सकती है अकॉर्डिंग टू रूल एंड रेगुलेशंस। और जो रूल एंड रेगुलेशंस प्राइवेट के लिए होते हैं वो सेम और सेम एज वेल एज एनजीओज और ऐसे ही वो सरकारी के लिए होते हैं गाइज। और जो ब्लड बैंक का रूल है वो सभी में एक रूल सभी ब्लड बैंक्स में चलेगा, ये नहीं होगा कि प्राइवेट का अलग रूल होगा, सरकारी का अलग रूल होगा, या एनजीओ का अलग रूल होगा, या फिर जो सरकारी ब्लड बैंक है वो ये नहीं है कि वो ब्लड कम लेगी, या जो एनजीओ की है वो ज़्यादा लेगी, या फिर जो प्राइवेट है कि वो ज़्यादा लेगी। तो इसलिए गाइज जो इनका रूल है वो सभी का सेम रहेगा। तो उसके बाद गाइज हमारे पास है कि ब्लड बैंक। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, जब ब्लड सेंटर, आजकल हमारे ब्लड सेंटर्स आ गए, किसे कहा जाता है गाइज, जहां पर गाइज हम ब्लड लेते हैं, स्टोर करते हैं और स्टोर करने के बाद उनकी टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग होने के बाद गाइज उनको ट्रांसफ्यूज, मतलब किसी एक हेल्दी पर्सन से ब्लड लेकर उसके टेस्ट करके किसी बीमार पेशेंट को उसको चढ़ाया जाता है, मतलब उसे किसी वजह से अगर ब्लड की कमी हो गई तो उसमें ब्लड पूरा किया जाता है थ्रू ट्रांसफ्यूजन। तो उस जगह को ब्लड बैंक कहते हैं, जब ब्लड सेंटर्स कहते हैं गाइस। तो जो ब्लड बैंक है, जब ब्लड सेंटर्स है, तो उसमें जो स्टाफ मेंबर्स है, जहाँ उसमें जो डॉक्टर्स होते हैं उनका क्या होता है, जहाँ वो कैसे होते हैं, तो उनकी बात करते हैं। एक ब्लड बैंक में सबसे पहले जो ब्लड बैंक का इंचार्ज होता है वो बीटी होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर। तो वो पैथोलॉजिस्ट ही होगा गाइस, एमबीबीएस पैथोलॉजिस्ट होगा, एमबीबीएस एमडी पैथोलॉजिस्ट होगा। और उसके लिए कोई डॉक्टर या एमबीबीएस तो वो एज ए बीटीओ आ सकता है, लेकिन हम अगर हम कहें कि वो एमबीबीएस पैथोलॉजिस्ट, वो पैथोलॉजिस्ट का काम नहीं संभाल सकता गाइस। जो पैथोलॉजिस्ट का काम है वो पैथोलॉजिस्ट ही संभालेगा, और जो टेक्नीशियन का काम है टेक्नीशियन ही संभालेगा। दूसरे नंबर पर स्टाफ नर्स होना चाहिए स्टाफ में, और तीसरे नंबर पर काउंसलर होना चाहिए, चौथे नंबर पर लैब टेक्नीशियन होने चाहिए, और पाँचवें नंबर पर हेल्पर होने चाहिए। तो इन जे सभी स्टाफ्स की ज़रूरत होती है एक ब्लड बैंक को चलाने के लिए गाइज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे जो ब्लड बैंक में वो रूम कौन से होते हैं, या कमरे कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर का रूम होता है, बीटीओ का रूम होता है, उसके बाद काउंसलर का रूम होता है गाइज। काउंसलर क्या करता है, अगर कोई बंदा ब्लड डोनेट करने आ रहा है तो उसकी पहले अच्छे से काउंसलिंग करता है कि आपने खाना वगैरह खाया, आपने ब्लड दिए कितना टाइम हो गया, या फिर आपको कोई डिसीज़ वगैरह तो नहीं, आप मेडिसिन तो नहीं चल रही, तो वो काउंसलिंग करता है। काउंसलिंग के बाद रजिस्ट्रेशन रूम होता है हमारा, रजिस्ट्रेशन रूम में, या फिर मेडिकल चेकअप रूम कहा जाता है, जैसे रजिस्ट्रेशन प्लस मेडिकल रूम चेकअप। तो उसके बाद उसमें डोनर जाता है, और उसमें क्या होता है, नर्सिंग स्टाफ है जो उसकी रजिस्ट्रेशन करती है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्या भरा जाता है गाइस, उसकी एज भरी जाती है, उसका नाम भरा जाता है, रजिस्ट्रेशन नंबर भरा जाता है, बैग ट्यूब नंबर भरा जाता है,
और पेशेंट का फादर नेम भरा जाता है, पेशेंट का एड्रेस भरा जाता है, सॉरी डोनर का एड्रेस भरा जाता है, उसके बाद डोनर का जो कॉन्टैक्ट नंबर भरा जाता है, ताकि अगर आफ्टर टेस्टिंग अगर डोनर की ब्लड में कोई प्रॉब्लम आती तो डोनर को दोबारा कॉन्टैक्ट किया जा सके और उनको फिर से बुलाकर हम श्योर हो सके कि हमारा हमने जो डिटेक्ट किया है वो एक्चुअल में है या फिर हमें वो फॉल्स डिटेक्शन हो गई है गाइज। तो उसके बाद क्या करती है, जो हमारी नर्सिंग स्टाफ्स होते हैं वो मेडिकल चेकअप करते हैं, बीपी चेक करते हैं, पल्स चेक करते हैं गाइज। तो उसके बाद फिर क्या होता है, उनका जो उनके कंसेंट लिया जाता है कि हम आपका ब्लड ले रहे हैं और आपको जो सभी टर्म्स बता दी गई हैं। तो उसके बाद क्या होता है गाइज, बैग की मार्किंग होती है, बैग पे हमने लिखना होता है कि जो हमारी कलेक्शन डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, ट्यूब नंबर हमने रजिस्टर पे मेंशन करना होता है गाइज। तो उसके बाद क्या है, जब जो हम बैग मेंशन कर देते हैं फिर हम उससे डोनर को दे देते हैं बैग। उसके बाद डोनर कहाँ जाता है, डोनर जाता है डोनेशन रूम में, डोनेशन रूम में या फिर जहाँ वेटिंग एरिया में गाइज, अगर कोई पहले से मतलब डोनेट कर रहा है तो वो वेटिंग एरिया में वेट कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या करते हैं हम डोनर को ब्लीडिंग के लिए या डोनेशन के लिए हम बेड पे लटा देते हैं, जिसे हम कॉच भी बोलते हैं गाइज। तो काउच पे लटा देते हैं, उसमें क्या होता है कि लेग्स और सर की पोजिशन सेम होती है, अगर कोई बेड है तो बेड पे क्या होता है बिल्कुल स्ट्रेट बंदा लटा दिया जाता है। उसके बाद हम पेशेंट की डोनेशन करते हैं। तो ये हमने ध्यान रखना है, अगर बंदे की एज 45 है तो जब 45 से अबव है तो हम 350 ml बैग लेंगे, अगर 50 से अबव है तो 450 ml बैग ले सकते हैं। लेकिन अगर बंदे की जो वेट है अगर 45 से कम है या उसका वेट 40 है या 41 है या 43 है तो हमने उसकी डोनेशन नहीं करनी, क्योंकि उसकी इन बिटवीन डोनेशन हमें कोई ना कोई दिक्कत आ जाएगी, तो हो सकता है डोनर वीक भी होगा, हो सकता है डोनर को कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, तो इसीलिए हमने वो गलती नहीं करनी। तो उसके आफ्टर डोनेशन के बाद हमने 5 मिनट्स उसको रेस्ट देनी है ताकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से बिल्कुल सेट हो जाए और जहाँ पे हमने प्रिक किया था वहाँ पे क्लॉट बन जाए। आफ्टर 5 मिनट्स हमने उसको उठा के रिफ्रेशमेंट एरिया में बिठा देना है, रिफ्रेशमेंट में हमने लिक्विड देना है, जूस वगैरह देना है, ताकि हमारा फॉलिक एसिड बन जाए और जो ब्लड सर्कुलेशन है वो चलती रहे गाइस। तो हमें पेशेंट को एडवाइस भी करनी है कि वो लिक्विड इनटेक ज़्यादा करे। तो उसके बाद क्या करते हैं गाइस, उसके बाद हम जो ब्लड लेके बैग को सील करते हैं, सील करने से पहले हम सैंपल निकालते हैं ट्यूब्स में, और सील करने के बाद क्या करते हैं हम उस बैग को हम स्टोर कर देते हैं अनटेस्टेड फ्रिज में। अनटेस्टेड फ्रिज में स्टोर करने के बाद फिर क्या करते हैं, फिर आता है सीरोलॉजी रूम या TTI लैब गाइस। तो TTI लैब क्या है, TTI स्टैंड फॉर ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिसेबल इन्फेक्शन। जो ट्रांसमिसेबल इन्फेक्शन होती हैं हम उनकी डिटेक्शन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वायरल मार्कर, जैसे हमारा HIV हो गया, SCV हो गया, जब VDRL हो गया, इनके हम डिटेक्शन करते हैं कि कहीं पेशेंट को कोई बीमारी तो नहीं है। और इसी के साथ ELISA रन करते हैं, ELISA स्टैंड फॉर एंजाइम लिंक्ड अम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो ELISA रन करते हैं, अगर कोई डिटेक्शन आती है जहाँ हमें लगता है कि इस पेशेंट को प्रॉब्लम है तो हम पेशेंट का वो सैंपल सेपरेट कर देते हैं और बैग को अनटेस्टेड से निकाल के हम किस में रख देते हैं, हम जो हमारे पास जो पॉजिटिव बैग्स वाली फ्रिज होती है, जहाँ हमारे पास डिस्कार्ड वाली फ्रिज होती है, हम उसमें उसका जो डिस्कार्ड बैग है उसमें रख देते हैं गाइज। तो उसके बाद क्या करते हैं हम ब्लड के डोनर के कौन कौन सा हम ब्लड ले सकते हैं, हम होल ब्लड ले सकते हैं गाइज, RBC PRB पैक्ड रेड ब्लड सेल्स ले सकते हैं, प्लेटलेट्स ले सकते हैं, FFP ले सकते हैं, PRP ले सकते हैं गाइज। तो हम उसके बाद गाइज हमारा आता है कंपोनेंट रूम आता है। कंपोनेंट रूम में क्या होता है, एक बड़ी सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है गाइज, जिसमें इक्वल हम बैग्स डाल के 450 ml के इक्वल बैग डाल के उसको स्पिन देते हैं, स्पिन मतलब रोटेशन करते हैं, और रोटेशन करने के बाद वो क्या करती है, PRBC जो हमारे होते हैं उसको अलग सेपरेट कर देती है, जो FFP होता है उसको अलग सेपरेट कर देती है, और जो PRP होता है उसको अलग सेपरेट कर देती है। उसके बाद गाइस आता है एफरेसिस मशीन का रूम। एफरेसिस क्या है गाइस, एफरेसिस एक ऐसा प्रोसेस है कि जो हमारी बॉडी से ब्लड कलेक्ट करता है और उसमें से जो हमें चीज़ चाहिए होती है, फॉर एग्जाम्पल हमें प्लेटलेट चाहिए, उनको अलग करता है और बाकी का ब्लड हमारी बॉडी में वापस वो क्या करता है, वो वापस भेज देता है गाइस वो मशीन। और ये प्रोसीजर हम बिना डॉक्टर की मदद के नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। रिस्क क्या होता है कि समटाइम क्या होता है, अगर बंदा बीमार है, जो उसको कोई प्रॉब्लम है, तो क्या होता है उसको कोई ना कोई साइड इफेक्ट होने लगता है एफरेसिस के थ्रू, एलर्जिक रिएक्शन होने लगती है, फटीक होने लगती है, नोजिया होता है, डायजिया होती है, लो ब्लड प्रेशर होता है। और उस कंडीशन में क्या होता है, नर्सिंग स्टाफ और जो हमारे BTO हैं या डॉक्टर हैं वो ही उस कंडीशन को हैंडल कर सकते हैं, एक टेक्नीशियन उस कंडीशन को हैंडल नहीं कर सकता। तो गाइस उसके बाद आता है हमारा स्टोरेज रूम, फ्रिजेस, या फिर हम देखते हैं कि जो हमारे बैग्स हैं वो हमारा वो किस किस लेवल पे हम उसको स्टोर कर सकते हैं। जो होल ब्लड है गाइस
वो 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस में हम स्टोर करते हैं, और होल ब्रेड की लाइफ होती है 35 डेज शेल्फ लाइफ होती है। जो पैक्ड रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसे गाइस 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस में स्टोर करते हैं, उनकी शेल्फ लाइफ होती है 21 to 49 डेज, डिपेंड अपॉन एडहेसिव जो हम ऐड करते हैं गाइस। उसके बाद जो प्लेटलेट्स होते हैं उनको हम 22 डिग्री सेल्सियस पे हम स्टोर करते हैं, उनकी शेल्फ लाइफ 5 डेज होती है गाइस। उसके बाद जो हमारे पास फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा होता है उनको हम 3 घंटे के लिए -80 और उसके बाद हम शिफ्ट करते हैं -30 में, और वो 1 साल तक उनका जो शेल्फ लाइफ होता है। उसके बाद हमारे पास है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा गाइस, उनका भी शेल्फ लाइफ कितना होता है 5 डेज, और उनको हम रूम टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं गाइस। और इसके अलावा गाइस जो हमारे पास होता है ब्लड बैग्स होते हैं, हमारे पास 2 तरह के ब्लड बैग्स होते हैं, 1 इज अ सिंगल बैग, 2nd one is a double bag गाइस। सिंगल बैग में 350 ml क्या होता है हमारा 350 ml ब्लड ले सकते हैं, जिसमें क्या होता है या तो CPDA होगा, CPDA स्टैंड फॉर सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज, या फिर ACD होगा एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज। और सेकंड बैग होता है हमारा 450 ml, और जिसमें क्या होता है CPDA 1 होता है गाइस, जो एंटीकोगुलेंट है सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडेनाइन सोल्यूशन। और गाइस एक बैग एक और हमारे पास एंटीकोगुलेंट होता है जो फुल बैग में होता है, इट्स द सेगम SAGM, इज इज एडिटेटिव सोल्यूशन कंटेनिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ जो कॉम्बिनेशन होता है स्लाइम का, एडिनाइन का, ग्लूकोज एंड मैनिटोल का गाइस। और ये क्या करता है, ये हमारी जो PRBC शेल्फ लाइफ होती है 42 डेज तक कर देता है गाइस। तो जो इसी के साथ गाइस हमारी जो बैग्स हैं उनमें जो पॉजिटिव्स हम मिलाते हैं वो डिपेंड करता है हम मिलाने पे हम कितनी शेल्फ लाइफ हमें चाहिए। तो उसके बाद गाइस जो हमारे पास जो बैग्स होते हैं, 1 इज अ 350 ml, 350 ml का 1 यूनिट बनता है, और 450 ml का भी 1 यूनिट बनता है, डिपेंड अपॉन ब्लड पे करता है गाइस। और जब हम ये ट्रांसफ्यूज करेंगे, जब 350 ml जाएगा तो अगर पेशेंट वीक है तो उसमें 0.75 ग्राम इंक्रीज होगा, अगर 450 ml PRBC जा रहे हैं तो उसमें 1 ग्राम इंक्रीज होगा ब्लड गाइस। तो एक जो हर एक हेल्दी बंदा जो ब्लड डोनेट कर सकता है तो ब्लड डोनेशन करना अच्छी बात होती है गाइस, तो और हमें ब्लड डोनेट करना भी चाहिए। तो ये था गाइस हमारा ब्लड डोनेशन या फिर ब्लड बैंक जो कैसा होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो हमने आज सभी इसमें डिस्कस कर लिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, तो हम उस पर भी डिस्कशन कर सकते हैं। और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी गाइस वो आएगी हमारी कि हम कलेक्शन कैसे करते हैं, ब्लीडिंग कैसे करते हैं, या फिर हमारे बैग में प्रिजर्वेटिव्स कौन कौन से होते हैं, हम जो स्टोरेज कैसे करते हैं, हम टेस्टिंग अलाइजा कैसे लगाते हैं, A to Z उस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे गाइस। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।